वहीं उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों में से पौड़ी गढ़वाल संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी ने जीत हासिल की है। बता दें कि इस चुनाव में एक ओर जहां भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी को कुल 4,13,654 मत पड़े हैं, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल को करीब 2,60,735 मत पड़े हैं। उत्तराखंड क्रांति दल के प्रत्याशी आशुतोष नेगी को 4,148 मत पड़े हैं। वहीं बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी धीर सिंह को 4,926 मत पड़े हैं। जानकारी के अनुसार भाजपा प्रत्याशी अनिल बलूनी की जीत में करीब 1,52,909 मतों का अंतर रहा।